पेरिस में 5-स्टार होटल का मालिक होने का दावा कर भोली भाली महिलाओं से करोड़ों रुपयों की ठगी और कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार करने के मामले में थाने पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अब तक 26 महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया है, ऐसा दावा पुलिस ने किया है। आरोपी ने केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि केरल, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे राज्यों से भी कुछ महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। थाने शहर में पुलिस के गिरफ्त में आया यह ठग, जिसका नाम है प्रजीत जोगेश केजे उर्फ प्रजीत तायल खलील उर्फ प्रजीत टेके, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। सोशल साइट पर महिलाओं से यह पहले संपर्क करता था और फिर खुद को अमीर बताकर महिलाओं को झांसा देता था कि उसका पेरिस में 5-स्टार का होटल है, और फिर महिलाएं जब इसके झांसे में फंस जाती थी तब वह इन महिलाओं को ठगी और बलात्कार का शिकार बनाता था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इसने मुंबई, ठाणे, केरल, बेंगलोर और कलकत्ता जैसे शहरों में भी कई महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 26 महिलाओं के साथ इस आरोपी ने करीब 2.25 करोड़ रुपयों की ठगी की है। सर, आज के पत्रकार परिषद के बारे में जो आपने रखा उसके बारे में क्यों रखा है बताइए। कापुरबॉडी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 388/21 दाखिल हुआ है, जिसमें एक महिला ने IPC सेक्शन 376-420 के तहत गुनाह दाखिल किया है। इसमें उस महिला ने यह बताया कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 के दरमियान एक व्यक्ति है, उसने उसके साथ संबंध प्रस्थापित करके अनेक रीजंस के द्वारा थोड़ा उनको आमिष दिखाते हुए लगभग 16,86,000 रुपये उनसे ले लिए थे और इस तरह से उनको चीट किया था। इसके ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद में ACP श्री सोनाव ने, सीनियर PI उत्तम सोनाव ने और क्राइम PI मुठे मैडम, इन्होंने अपनी टीम के तहत काम का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो अक्यूज था, जिसका कोई मोबाइल नंबर या डिटेल्स हमारे पास नहीं थे, केवल नाम एलियास नाम के हिसाब से था, असली नाम उसका क्या था ये भी हमको ठीक से पता नहीं था, बट टेक्निकल एविडेंसेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उसको पिन पॉइंट किया गया और एक ट्रैप ले करके हमने 11 तारीख को उस व्यक्ति को थाने में अरेस्ट किया। अभी तक हमको उसकी कस्टडी 20 तारीख तक मिली है और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये पता चला है कि उसने अभी लगभग 26 महिलाओं को इसी तरह ठगा है और उनसे करीब करीब 2,58,00,000 रुपए उनसे ठग के लिए हैं। ये जो महिलाएं हैं केवल महाराष्ट्र में न रहते हुए केरला, कर्नाटका, बैंगलोर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऐसे विभिन्न राज्यों की महिलाओं को उसने ठगा हुआ है। इसकी मोडस ऑपरेंडी, वो मैट्रिमोनियल साइट्स में अपने एडवर्टाइज देता था और अपने आप को एक करोड़पति बताता था और ये इम्प्रेशन डालता था कि वो पेरिस में उसका एक 5-स्टार होटल है और यहाँ पे भी उसके अनेक वो बिजनेस हैं, ऐसे बता के वो उन महिलाओं से सोशल मीडिया से ही के द्वारा ही वो कांटेक्ट में आता था और फिर बाद में एक रिलेशन डेवलप होने के बाद वो उनसे पर्सनली मिलके फिर बाद में अपना जाल बिछाता था। सर, इसके पास से रिकवर क्या हुआ अभी तक? अभी रिकवरी कुछ नहीं हुई है, अभी छानबीन जारी है।